जे अपने पोपलू को लेके और ये मस्ती शुरू कर देगी। ब्रूनो बस इसको ये मिल जाए इसका खिलौना और इसके साथ ही खेलता रहेगा। तो मनीषा की दादी जा रही है अपने मायके में और मनीषा ने दादी को राखी बांधी। राखी का हाथ लगा दिया लो भाई। मेरे हाथ गोरे हाथ मेहंदी बड़ी मैं मेरी सासु को प्यारी सच्ची बड़ी मैं तो सारा बर्तन भी को नहीं धोन दिए मेहंदी की मारी। मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, पूनम जलीवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज का ब्लॉग करते हैं अभी स्टार्ट। अभी सुबह की एक्सरसाइज वगैरह खत्म हो चुकी है, अभी चाय बनाऊंगी ब्रुनो के लिए और कुछ नाश्ता करूंगी ब्रुनो का। अभी मैं भी एक्सरसाइज करके आई तो अभी मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी कुछ। तो फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज है 11 तारीख, फिर पता नहीं आज रक्षाबंधन है नहीं पता नहीं। आज मेरे भाई आने वाले थे तो वो भी नहीं आ रहे, किसी कारण से कुछ हो गया तो इसलिए नहीं आ रहे वो। और आज मम्मी भी जा रही है अपने मायके, इसलिए कि मैं मेरे भाई वगैरह आ नहीं रहे इसलिए वो मम्मी जा रही है। आज वो राखी बांधने जा रही है मम्मा के यहाँ तो उनको बड़ी छोड़ के आ जाएगा। तो अभी बना लेती हूँ मैं चाय वगैरह। पंडित जी से पूछा नहीं हमने, आज पूछ के आएंगे रक्षाबंधन कितने बजे स्टार्ट है और किस टाइम तक की है या फिर कल है, देखेंगे कुछ नहीं पता आज अभी तक। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। एक ड्रेस मैं लेके आ गई इसकी, पापा की तरह से आपकी तरह से मुझे अलग। तो पापा ही तो कमा रहे हैं, मैं कौन सा पैसे कमा रही हूँ। फिर भी आपकी तरह से एक पर ऐड हो जाएगी, पहन लेना तो मैं मेहंदी बहुत प्यारी लगी मुझे एकदम। देखो कितना डार्क कलर है इसमें, कैमरे में तो हल्का लग रहा है इसमें वैसे डार्क है। उस आपकी दिखाओ देखो, मेरे हाथ गोरे हाथ मेहंदी बड़ी बोले है मैं मेरी सासु चढ़ी वे मैं मेरी सासु प्यारी सच्ची बड़ी है सच्ची है रंग अच्छा हो है। दादी क्या बोल रहे हैं आपकी बहू प्यारी? मैं मेरी सास ने बहुत प्यारी हूँ, जहाँ मेरे रंग बहुत चढ़े। मैं तो सारा बर्तन भी को नहीं धोन दिए मेहंदी की मारी। अरे इतनी सहायता करनी पड़ेगी अगर मेहंदी ना छूटे, मतलब कलर फीका नहीं पड़ना। कल मैंने धो ही नहीं ना, मतलब साबुन उबुन नहीं लगाया क्योंकि कल दिन में लगवाई थी, तो अगर मैं साबुन का इस्तेमाल करती तो हाथ मतलब मेहंदी फीकी पड़ जाती। तो मम्मी ने सारा काम कर लिया था, जब भी तो मेरे मेहंदी का कलर अच्छा है। आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी सासु माँ के बारे में? पता ही चल रहा है सबने, आप बोलो ना, पता तो सबको चल ही रहे। आप क्या बोलो बता कुछ भी बोलो आपके मन में आए जो। ऐसी सासु माँ सबको मिले, बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है। आए हाय दादी देखो, अभी 10-15 दिन चली जाएगी, बताओ मेरा मन ही नहीं लगेगा। पड़ोसी पापा ने जाके ले आवा एक ना पत्थर में और महाराज जी ना लगे तो फिर हम बीच में लिया हुआ है। तो मनीषा की दादी जा रही है अपने मायके में और मनीषा ने दादी को राखी बांधी आज सुबह सुबह ही। रक्षाबंधन तो कल है पर राखी मनीषा ने आज ही बांधी दादी को। तो दादी से अभी मनीषा की मुहूर्त शुरू हो चुका है, बोनी शुरू हो चुकी है मनीषा की। साढ़े जब नो नीचे आ जाए, बीच में आवा, ये बोल रहा है मैं भी दूंगा, मेरे को पैसे दो भाई नहीं तो दे दे। ले भाई कितने मिले? राखी का हाथ लगा दिया लो भाई। राखी पहले बांध दी थी वो दिखाई, सुबह सुबह कमाई होगी ये। आज के नाम के पैसे मिल चुके हैं मनीषा के, बोला था ना भाई कल भी अगर रक्षाबंधन नहीं हुई तो कल कुछ मिलेगा, तो आज मनीषा को मिल चुके हैं 500 रुपए और कल मिलेगा अच्छे वाला गिफ्ट। एक मेरी तरफ से तो ड्रेस है ही जो अभी लेके आए है, वो दिखाई नहीं है। पीछे तो देखो बोलो, पीछे तो देखो, ए बोनो पीछे तो देखो। अरे बस कैमरा ऑन करते आजकल ये पोपलू वाले के पीछे घूमता रहे। ओए पोपलू नो खा ले बस 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 देख देख देख, गंदा बच्चा इतना है बस पूछो ही मत इसके बाद। बस ड्रॉप स्टॉप, ठीक है ठीक है, बस इसको ये मिल जाए इसका खिलौना और इसके साथ ही खेलता रहेगा। इसकी पू नहीं बज रही आजकल, तोड़ दी सारी इसने।
यहाँ बन रही है पनीर की सब्जी है ना, क्योंकि तेरी दादी फिर जाएगी ना जल्दी से, तेरी दादी को लगा दिया मन प्रेस पे दादी प्रेस करती कर, मतलब सारे मेरे मेरे छोड़ गए थे दादी सारे कपड़े प्रेस करेंगे, तो आज कल धोए थे तो दादी जाना था आज पहले प्रेस कर ले टाइम बहुत उनका काम आज आज तो करके जाऊंगी, जब आऊ 10-15 दिन बाद मांगी जरा तो मैं नहीं करना है तो मैं सब्जी रोटी बना दी, जब तक मैं उनके लिए बना रही पनीर की सब्जी स्पेशल और अभी बना दी रोटियां मैं जाके आती हूँ दादी को देख के। यहाँ पे क्या कर रहे हो बुनो? ए मोटू दादी यहाँ पे बैठी हुई है। दादी कितने दिनों में आओगे? प्रदीप लेके आऊंगा। तो ये देखिए गाइस दादी ने अपना पूरा बड़ा सा बैग तैयार कर दिया है 15 दिनों के लिए। ये दादी ध्यान से जाना, ब्रूनो ब्रूनो निकल चुका है उसके तैयार। दादी हो चुकी तैयार, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ इनको छोड़ के आने के लिए, और वरुण आ रहा है साथ में, बोले मैं भी जाऊंगा। ये देखो ये बैग के पास बैठ गया, कितना बैग ठूस लिया, क्या भर लिया, खाली पैंट मुछड़ ना और खाली नहीं हुआ, अगर पैंट मुछ के खा लेगा। ओके दादी बाय, मम्मी लेके जा रही है। तो चलिए फाइनली मैं मनीषा की ड्रेस दिखा रही हूँ आज, क्योंकि आज अगर पहनती रक्षाबंधन तो मतलब आज करते तो आज पहन लेती तो दिख जाती, आज इसने पहनी नहीं तो मैं दिखा रही हूँ। आज टाइम है थोड़ा सा, कल टाइम नहीं मिला पता नहीं क्यों। टन टन, ये है मनीषा की ड्रेस, थोड़ा सा लुक दिखा रही हूँ आज क्योंकि कल डालेगी जब अच्छा लगेगा। वैसे तो ये है इसका इनर मतलब जो अंदर के डालेगी, और ये है इसका नाम ही समझ में नहीं आ जो ये सरग परग, ये देख ये सरग है, ये सरग सरग के पहन लेगी मनीषा। तो डालने के बाद इसकी अच्छी लुक आ रही है, और प्योर कॉटन है ये, प्योर कॉटन है, इस पर इतना अच्छा वर्क है, ये देखो कढ़ाई का। तो जब मनीषा ने डाली थी ना तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मेरे को पसंद आ गई थी ये, फिर मैंने ले ली मनीषा के लिए। कल दिखेगा जब ये डाल लेगी तब एकदम, और इसके नीचे वाइट लेगी है। तो ये थी मनीषा की ड्रेस, बहुत ही अच्छी लग रही थी, पता नहीं कैमरे में कैसी आ रही मेरे को नहीं पता, पर वैसे अच्छी लग रही है एकदम प्योर कॉटन है गर्मी के हिसाब से। चलिए अभी शाम का काम कर लेते हैं शुरू, क्योंकि अभी चाय तक नहीं पी हमने, दोपहर की चाय पी थी, दोपहर की चाय तो हम डेली पी लेते हैं, और अभी अभी मैं चाय बना लेती हूँ। मम्मी आज चली गई है, ऐसे खाली खाली सा घर हो गया। प्रदीप बोल रहा है दादी नहीं है ना तो पूरा घर खाली होगा, मैं दादी के पूरे घर में कुछ कब्जा करे बैठी थी, बोली नहीं बोलती रहे दादी तो आवाज मतलब पूरे घर में ऐसा भरा भरा लग रहा था। तो अब हम ये प्रदीप कंप्यूटर देखता रहा या फोन देखता रहा, मनीषा भी ऐसा ही है, ब्रूनो बस मैर ब्रूनो और कोई नहीं हमारा। आप फोन देखते रहते हो? फोन और करेंगे आप, कुछ तो करे हम भी अपना लेते हो चाय, फिर मैं फोन देखू नहीं तो क्या करूँ, अपना एंजॉयमेंट भी तो जरूरी। तो पापा आ गए जल्दी है अभी, तो पापा ही है और किसी की गाड़ी नहीं है, पता नहीं है तो गाड़ी वाइट ही तो है किसकी पता नहीं, शायद अपनी नहीं ना, तेरे पापा तो नहीं आए इतने जल्दी नहीं ना। ब्रूनो गया है, पापा आओगे तो ट्रीट मिलेगी ब्रूनो का तो ये लालच है पापा से, और कोई किसी को मतलब नहीं, बस ब्रूनो को खाली मतलब, नहीं आए पापा पापा नहीं आए तो बता रहा है शिकार, ये बता रहा है पापा नहीं आए, ट्रीट नहीं मिलेगी।